अच्छा साथियों, हम बालू बैंकर आ गए हैं और भैया लोग का घर बहुत पहले भी आए थे। कहीं सांप देखा गया? कहाँ सांप है भैया? बाबा ये वो मास्क लगा लीजिए, देखिए रहे हैं देश का स्थिति कैसा। सफुआ तो हम धरिए लेंगे आपका, मास्क लगा लीजिएगा तो हमको अच्छा लगा। आ नहीं दोस्तों, यही बिचाली का नीचे कहीं सांप देखा है भैया लोग। कहाँ भैया? सांप तो है भैया, और इतना बड़ा सांप है ना, इसको धरना ही पड़ेगा हमको। आप लोग ऐसा कीजिए कि कोई बड़ा डंडा से इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दीजिए तो भागने लगेगा, तभी हम धर पाएंगे उसको। अच्छा बिचाली में घुसेगा तो एक बेटी देखिए अमरूद गाछ में चढ़ गया है। बेटी लोग अमरूद गाछ में मत चढ़ो। हाँ मत चढ़ो। साथियों प्रायः यहाँ बड़ा अच्छा लगता है आने में, हरियाली हरियाली नजर आता है चारों तरफ, अमरूद का गाछ ना देखने का मजा ही कुछ अलग है। और भैया लोग सब ठीक है तो कोशिश करें अपने भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहें। मेरा एक मौसी देखिए कपड़ा कैसे लगा लिया है नाक में, चलिए अच्छा है। एक दीदी भी उसी तरह, आप लोग भी मास्क लगाया कीजिए। देश का स्थिति क्या है, भयावह हो गया है, खतरनाक होता जा रहा है दिन ब दिन। बड़का को सांप चुपचाप रेस्ट ले रहा है। ए भैया देखिए हम जा रहे हैं उस साइड है, इधर से डिस्टर्ब कीजिएगा तो उधर भागेगा, फिर हमको दौड़ना होगा उसका पीछे। इधर भागने लगेगा तो फिर, अरे भैया हमको तो इतना सांपवा का दो गो आंख है यार, हम लोग कितना आंख है, हमको तो बताइएगा तो जरूर आप लोग। भाई देखिए किस तरह सांप हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। चलिए अब लेट मत कीजिए, उसको डिस्टर्ब कीजिए, बताइएगा हमको किधर जा रहा है। डॉग जो है सांप तो घेर रखा है। कहाँ घुस गए? थोड़ा भाई हमारा साथ दीजिए आप लोग, थोड़ा सा साथ, डर लग रहा है इतना कि आ लीजिएगा, क्योंकि आंख से देख लिए है ना, अब हमेशा डर बना रहेगा। डर ले हम सांप का कुछ ही नजर आ गया है। और चश्मा कहाँ है? शेरू कहाँ है? शेरू आप लोग का चल ले 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 चल आ आ ये घमन सांप है। ये बैग मेरा ले लीजिए, बैग वर्ल्ड का सबसे वफादार प्राणी कुत्ता होता है, इसलिए कुत्ता को हमेशा प्यार कीजिए। शेरू नहीं होता तो हमको लग रहा है सांपो नहीं धराता क्या? शेरू शेरू नहीं होता तो सांपो नहीं धराता। साथियों ये जो शेरू है ना, हमको लग रहा है सुबह से ही घेर के था चारों तरफ से, इसीलिए इसको भागने नहीं दिया गया। आ शेरू को भी डर है, जरा सा छोड़ दिया तो शेरू भी गए।
यानी सांप के नाम से लोगों के अंदर डर है। क्या है? डर। सांप के नाम से लोगों के अंदर डर हो जाता है। देखिए ये किस तरह जकड़ लिया, लग रहा कोई हथकड़ी बांध दिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये दूध पीता है, ये बिल्कुल अंधविश्वास है, क्योंकि सांप का पेट में दूध हजम करने का एंजाइम नहीं पाया गया है। क्या नहीं पाया गया है? दूध हजम करने का एंजाइम नहीं है, इसलिए दूध हजम नहीं कर सकता है। जबरदस्ती अगर आप दूध पिला दो तो सांप को क्या होगा? वोमिटिंग, निमोनिया, बुखार और डेथ। कुछ लोग कहते हैं कि सांप अगर मारता है पूंछ से तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, ये भी अंधविश्वास है, ये भी बिल्कुल अंधविश्वास है। एक टाइम मत खाइए, अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़िए, पढ़ाइए लिखाइए, शिक्षा ही जीवन का मुख्य आधार है। यह है ढामिन, हिंदी में धामन, बांग्ला में दड़ास और इंग्लिश में इंडियन रेड स्नैक, है ना? अगर एक बार अगर छूट जाए तो भैया लोग सीधे गायब हो जाएगा। दौड़ने में तो ट्रेन भी फेल है, स्पीड बहुत ज्यादा है। इस सांप का स्पीड इतना ज्यादा है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। देश का जो स्थिति है दिन ब दिन और खतरनाक होता जा रहा है। घर से कहीं भी बाहर जाएं मास्क जरूर लगाएं, बेवजह घर से बाहर ना जाएं। फिर से उम्मीद है कि झारखंड में चारों तरफ तो लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कुछ कुछ जगह लॉकडाउन लगाना सरकार का मजबूरी है। देखिए किस तरह वार कर रहा है, देखिएगा फिर वो वार करेगा। इस दुनिया में आदमी से खतरनाक कोई प्राणी नहीं है। आदमी एक ऐसा खतरनाक प्राणी है कि हर चीज वो कंट्रोल कर लेता है। सिरुआ को थोड़ा आने दीजिए, आने दीजिए, दोस्ती करवा दे सिरुआ से। सिरु का भी हालत खराब है, ये भी सुन लीजिए, सांप से आदमी का हालत खराब ही रहता है। इसे मारे नहीं, बचाने का प्रयास करें। जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, समझ ही रहे हैं, और खास करके इस बालू बैंकर के लोग, जब से इस एरिया में हम आना शुरू किए हैं लोग मारना बंद कर दिया है। चलिए फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे। भागना देख रहा है। इसको पंचत पहाड़ी में छोड़ दिया जाएगा हमेशा के लिए, ताकि इस प्रजाति को बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत, और गर्व से कहेंगे वंदे मातरम। साथियों, दो गज दूरी मास्क से जरूरी, क्योंकि अगर हम सुरक्षित होते हैं तभी दूसरों को सुरक्षित कर पाएंगे। इसलिए बेवजह घर से ना निकलें, मास्क का उपयोग जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, गर्व से कहेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम।